वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव विकास के मुद्दों पर होंगे व जनता का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे पर बोला कि यह कांग्रेस पार्टी की असफलता व डूबती कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति से बेदखल होती जा रही है। जल्द ही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अस्त हो जाएगी। इसके साथ ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ईवीएम और डीएम के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि सपा समेत अन्य पार्टियां धांधली करती रही हैं व धांधली का आरोप यही लोग लगा सकते हैं। बीजेपी विकास की बातें करती हैं और विकास करने के लिए निरंतर तत्पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी विकास और सेवा के कार्यों पर चुनाव लड़ेगी और बहुत शानदार सफलता पाएगी। कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा कांग्रेस में ये कैसा उठा? कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक बार पुनः जैसा कैप्टन अमरिंदर ने अपना बयान दिया है कि हम लगातार ह्यूमिलिएट किए जा रहे हैं, लगातार अपमानित किए जा रहे हैं, वो इस बात को साबित करता है कि एक देश में लगातार खत्म होती पार्टी कांग्रेस, वह आज भी पारिवारिक दरबारी संस्कृति से उभर नहीं पाई है और उसका ये प्रमाण है कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा और उसका ह्यूमिलेशन। अखिलेश कह रहे हैं कि 2022 में रिपोर्ट कार्ड आने वाला है आपकी पार्टी की तरफ से, 2022 में क्या वो साबित हो सकता है जिसके लिए कल 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड आने वाला है बीजेपी की तरफ से? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई की भाजपा सरकार ने 4.5 वर्ष में सेवा, विकास और मानव कल्याण के काम और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से और ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में इतने शानदार काम किए हैं, उन्हीं कामों को जनता के बीच में आज के युग के अनुसार संचार माध्यमों से बताने के लिए का रिपोर्ट कार्ड सभी हमारे संबंधित लोग पेश कर रहे हैं और निश्चित तौर से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का गुड रिकॉर्ड और मोदी जी का जो उत्तर प्रदेश से नाता है और योगी जी की जो लगातार पहले हैं सेवा भाव है, जिस तरह वो कोरोना योद्धा की तरह खुद खड़े होकर मोर्चों पर खड़े रहे हैं और सारे किए गए विकास कार्य, कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश सरकार की ज़बरदस्त पकड़, 2022 में 2017 की तरह ही प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। कहा कि डीएम और ईवीएम दोनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सपा और ये अनेक पार्टियां जो धांधली की राजनीति करती रही हैं, उन्हीं को ये सब चीज़ें ध्यान रहती है और उनको पता चल गया है कि आने वाले चुनाव में भाजपा फिर जीतेगी, तो जब उनको पता चल जाता है तो ये और ये पार्टियां चुनाव से पहले ईवीएम का रोना शुरू कर देती हैं ताकि जनता ये महसूस करे कि ईवीएम का रोना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये इस बात का प्रमाण है कि भाजपा जीत रही है।